ब्रेकअप के बाद की थी प्रेमिका की हत्या, फिर खुद की कनपटी पर गोली मार किया सुसाइड। दोनों के कमरे में मिली थी लाश। मेरठ में शुभम और साक्षी की लाशें मिलने के मामले में यूटर्न आया है। पुलिस को कपड़ों की तलाशी में शुभम के पास 5 जिंदा कारतूस मिले। शुभम ने 3 दिन पहले गांव के एक लड़के से देसी तमंचा और 7 कारतूस खरीदे थे। वहीं साक्षी के एक और प्रेमी की केस में एंट्री हुई है। अब ऑनर क्लीनिंग से पूरा मामला ब्रेकअप के बाद हत्या और सुसाइड का बन चुका है। पुलिस ने रविवार को पेपला गांव के एक मकान से 2 लाशें मिली थी। लड़के शुभम की कनपटी पर गोली लगी थी। लड़की साक्षी की छाती से खून निकल रहा था। एसएसपी रोहित सिंह जसवार ने बताया कि शुभम ने पहले लड़की को गोली मारी, फिर खुद को गोली मारी, सुसाइड कर लिया। जब शुभम के शव की जांच की गई तो उसकी पैंट से 5 कारतूस मिले। शुभम ने 3 दिन पहले 7 कारतूस और अवैध तमंचा गांव के एक समीर नाम के लड़के से खरीदे थे। 5 कारतूसों के मिलने से साफ है कि शुभम घटना की प्री प्लानिंग करके प्रेमिका के घर पर आया था। गर्लफ्रेंड की किसी और के साथ देखी थी तस्वीरें। पुलिस जांच में सामने आया कि शुभम ने कुछ दिन पहले प्रेमिका साक्षी के मोबाइल में उसके गांव के किसी लड़के के साथ फोटोज देखे थे। दोनों की तस्वीरों में करीबी रिश्ते की झलक थी। ये फोटो देखकर शुभम भड़क गया था। उसने साक्षी से पूछा भी था ये तस्वीरें क्या हैं। इस पर दोनों का काफी झगड़ा भी हुआ था। इसके बाद शुभम ने गांव में जाकर जब उस तीसरे लड़के से उन तस्वीरों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि साक्षी उसकी गर्लफ्रेंड है। इस बात से शुभम काफी नाराज था। शुभम अपनी गर्लफ्रेंड का प्रेमी होना बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने सोच लिया था कि वो साक्षी को सबक सिखाएगा। पुलिस ने इनकी कॉल डिटेल निकलवाई। 15 फरवरी को दोनों में लंबी बातचीत हुई थी। 16 से 17 फरवरी को दोनों में बहुत कम बातचीत हुई है और 18 फरवरी को बात ही नहीं हुई। शुभम ने लगाया ब्रेकअप का स्टेटस। 19 फरवरी को शुभम ने अपने मोबाइल पर स्टेटस लगाकर लिखा कि हो गया ब्रेकअप, टुडे आई एम वेरी सैड। इसके बाद घटना हुई। घटना से पहले शुभम ने अपनी और साक्षी की आपत्तिजनक तस्वीरें भी स्टेटस पर लगा दी थी। पूछताछ में पता चला कि शुभम ने अपनी बहन परिजनों को साक्षी से ब्रेकअप के बारे में बताया था। दोस्त के साथ शराब पी, कहा मैं उसे मार दूंगा। एसएसपी रोहित सिंह रजवार ने बताया कि वारदात से पहले शुभम ने अपने दोस्त के साथ शराब पी। उसने अपने दोस्त को बताया कि वो जाकर युवती की हत्या कर देगा। फिर वो युवती के घर गया और घटना को अंजाम दिया। ब्रेकअप की वजह युवती का किसी दूसरे से बातचीत करना सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ लड़के की बहन ने आरोप लगाया कि साक्षी के भाई ने उसके भाई को मारा है।